बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के लेक्चर में हम थ्योरम 5.4 पढ़ेंगे, आपकी वेक्टर एंड टेंसर की बुक पर पेज नंबर 239। थ्योरम की स्टेटमेंट है, शो डैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डैट a1 dx प्लस a2 dy प्लस a3 dz बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इज डैट डेल क्रॉस a इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स कि अगर हम किसी भी डिफरेंशियल को चेक करना चाहते हैं कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं, तो उसके लिए आसान क्राइटेरियन ये है कि हम उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें डेल के साथ। अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है तो इसका मतलब है कि हमारा डिफरेंशियल जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल की शक्ल में लिखा जा सकता है। क्योंकि ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के साथ प्रूफ है, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इफ़ एंड ऑनली इफ के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि पहले हम एक बात को सपोज करेंगे और दूसरी को प्रूफ करेंगे, ठीक है। मींस यानी कि फर्स्टली हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि a1 dx प्लस a2 dy प्लस a3 dz एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लेट कर रहे हैं a1 dx प्लस a2 dy प्लस a3 dz इक्वल है d5 के, यानी कि इसे एक फंक्शन के तौर पर लिखा जा सकता है और होल फंक्शन का डिफरेंशियल है ये, मीन टोटल डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। जबकि कैलकुलस में हमने ये सीखा हुआ है d5 को लिखा जा सकता है पार्शियल फाई, डेफिनेटली फाई जो है वो डिपेंड करता है xyz, फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ xyz। सो जब आपने d5 कैलकुलेट करना है तो बाय यूजिंग कैलकुलस एंड पार्शियल डिफरेंशियल्स डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते हैं d5 को पार्शियल फाई बाय पार्शियल x dx प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल y dy प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी dz। ये जो रिज़ल्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ये आप अपनी कैलकुलस की बुक से रीड आउट कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव वाला चैप्टर नंबर 14, ठीक है। वहाँ पर ये रिज़ल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी है। अब d5 इसके भी इक्वल है और d5 इक्वल है a1 dx प्लस a2 dy प्लस a3 dz के। अगर ये दोनों d5 के इक्वल हैं तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने से a1 dx प्लस a2 dy प्लस a3 dz इक्वल आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल x फाई dx प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल y dy प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल z dz। अब यहाँ देखें dx की जगह पर dx है, चेंज कहाँ पर है, a1 की जगह पर पार्शियल फाई बाय पार्शियल x है, और क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है फिर यहाँ से ये इम्प्लाई होता है कि a1 इक्वल है पार्शियल फाई बाय पार्शियल x के। बिल्कुल इसी तरह dy के इक्वल है तो a2 फिर इक्वल आ जाएगा a2 इज इक्वल टू पार्शियल फाई बाय पार्शियल y। इसी तरह लास्टली a3 है, a3 इक्वल आ जाएगा पार्शियल फाई बाय पार्शियल z के। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर a को लिखा जा सकता है a1 यूनिट वेक्टर i प्लस a2 यूनिट वेक्टर j
प्लस ए थ्री यूनिट वेक्टर के इन इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। अब ए वन की वैल्यू हमारे पास है पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्स, सो ए वन की जगह पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस पार्शियल फाइव बाय पार्शियल वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस पार्शियल फाइव बाय पार्शियल जी यूनिट वेक्टर के। यहाँ से देखें पार्शियल बाय पार्शियल एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी यूनिट वेक्टर के। फाई तीनों के पास है, उसे कॉमन लिखा जा सकता है और ये सारा फैक्टर बराबर है हमारे लिए डेल्टा के फाई एज इट इज़। तो मींस यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया कि वेक्टर ए इक्वल है डेल फाई के। अगर वेक्टर ए इक्वल है डेल फाई के तो हमारा हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि डेल क्रॉस ए इक्वल है ज़ीरो के। इस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करते हैं और प्रूव कर देते हैं कि डेल क्रॉस ए इक्वल है ज़ीरो के। डेल क्रॉस ए इक्वल टू डेल, और ए की जगह लिखा जा सकता है डेल फाई। डेल क्रॉस डेल फाई बेसिकली कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई है जिसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो यहाँ से हमारी बात इजीली प्रूव हो गई। ठीक है, तो पहले हिस्से में थ्योरम के हमने सपोज़ कर लिया था कि जो हमारे पास ए वन डी एक्स प्लस ए टू डी वाई प्लस ए थ्री डी जी वैल्यू है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंसिडर करते हुए हम ये बात प्रूव कर पाए हैं कि डेल क्रॉस ए इक्वल है ज़ीरो के। अब इसके कन्वर्स पार्ट में हम सपोज कर लेते हैं, सपोज डैट डेल क्रॉस ए इक्वल है ज़ीरो के, और प्रूव करना चाहते हैं कि ए वन डी एक्स प्लस ए टू डी वाई प्लस ए थ्री डी जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि अगर डेल क्रॉस ए इक्वल हो ज़ीरो के तो ये इम्प्लाई करता है कि ए जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी है लास्ट थ्योरम, थ्योरम 5.3 में, और इससे भी पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड हो तो उसके लिए ए को लिखा जा सकता है डेल फाई के इक्वल। ठीक है, क्योंकि डेल क्रॉस ए इक्वल टू ज़ीरो है तो ये तभी हो सकता है जब ए कंजर्वेटिव फील्ड हो। अगर ए कंजर्वेटिव है तो डेफिनेटली ए इक्वल है डेल फाई के। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली हमारा टारगेट जिस वैल्यू को कैलकुलेट करना है वो वैल्यू ये है ए वन डी एक्स प्लस ए टू डी वाई प्लस ए थ्री डी सी। ठीक है, ये अब इस टारगेट को ज़हन में रखें। अब ए वन डी एक्स ए टू डी वाई एक्चुअली ये वैल्यू किस तरह से फॉर्म हो रही थी पीछे जब हम काम कर रहे थे, जब हम इंटेग्रल कैलकुलेट कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि अगर वेक्टर ए का डॉट ले लिया जाए वेक्टर डी आर से तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली इस वैल्यू के बराबर होता है। तो इधर भी हम यही काम करने लगे हैं, हमारे पास एक वैक्टर ए मौजूद है, इस वैक्टर ए का डॉट लेने लगे हैं डी आर से। वैक्टर ए की वैल्यू ए वन यूनिट वेक्टर आई प्लस ए टू यूनिट वेक्टर जे प्लस ए थ्री यूनिट वेक्टर के, जबकि डी आर की वैल्यू हमें पता है डी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस डी वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस डी जी यूनिट वेक्टर के। यहाँ से जब इस डॉट को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ए वन डी एक्स प्लस ए टू डी एक्स प्लस ए थ्री सॉरी डी वाई प्लस ए थ्री डी सी।
ठीक है, जबकि यहाँ पर देखें ए डॉट डी आर, ए डॉट डी आर में ए की वैल्यू अभी पीछे हमने क्या लिखी थी कि ए को लिखा जा सकता है डेल फाई, डेल फाई डॉट डी आर, डेल फाई डॉट डी आर बेसिकली क्या बनता है अगर आप इसे इस डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लें, तो डेल फाई की वैल्यू हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स फाई यूनिट वेक्टर आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी फाई यूनिट वेक्टर के, इसका सारे का डॉट ले लें डी आर के साथ। डी आर मीन डी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस डी वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस डी जी यूनिट वेक्टर के, ये बराबर है ये ऊपर वाली वैल्यू ए वन डी एक्स प्लस ए टू डी वाई प्लस ए थ्री डी सी के। अब यहाँ से जब आप पार्शियल फाई डेल फाई और डी आर का डॉट कैलकुलेट करेंगे तो उस डॉट की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स, उसका डॉट ले रहे हैं डी एक्स के साथ, प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई, उसे हम लिख सकते हैं डी उसका डॉट ले रहे हैं डी वाई के साथ, प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी, इसका डॉट ले रहे हैं डी जी के साथ। ये इक्वल आ रहा है ए वन डी एक्स प्लस ए टू डी वाई प्लस ए थ्री डी सी के। पहले भी मैंने बात की थी ये जो वैल्यू हमारे पास बन रही है पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी डी जी, ये एक्चुअली इक्वल है डी फाई के बाय रिजल्ट फ्रॉम कैलकुलस। ये बराबर आ रहा है ए वन डी एक्स प्लस ए टू डी वाई प्लस ए थ्री डी सी। तो ये सारी की सारी वैल्यू एक्चुअली इक्वल आ गई है डी फाई के, और डी फाई हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल है एक पूरे फंक्शन फाई का टोटल डेरिवेटिव, टोटल डिफरेंशियल एक्चुअली। तो हमारा प्रूफ यहीं पर एंड होता है, ठीक है, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ अ स्केलर फंक्शन फाई। इसके बाद एग्जाम्पल है नीचे एग्जाम्पल नंबर सेवन, उसे देखते हैं पेज नंबर 240 पे। ठीक है, एग्जाम्पल में उसने हमें वैल्यू दी है ए डॉट डी आर की इस तरह से वाई स्क्वायर जी जी क्यूब कॉस एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब जी डी एक्स प्लस। टू जी क्यूब वाई साइन एक्स डी वाई प्लस प्लस थ्री
वाई स्क्वायर जी स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स फोर डी एक्स सॉरी डी जी। अब देखें बिल्कुल ये जो वैल्यू दी जा रही है इसमें ये सारी वैल्यू एक्चुअली ए वन की जगह है, ये सारी वैल्यू जो डी वाई के साथ है ये एक्चुअली ए टू की जगह है, और ये सारी वैल्यू जो डी जी के साथ है वो ए थ्री की जगह है। मीन बेसिकली जो हमें वैल्यू दे रहा है वो ए वन डी एक्स ए टू डी वाई और ए टू ए थ्री डी जी की है, और वो हमें कह रहा है कि शो करें कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगर हम इसे एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल शो करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, हमें सिर्फ ये बात शो करनी है कि जब भी डेल का क्रॉस लेते हैं ए के साथ वेक्टर ए के साथ तो वो ज़ीरो आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जहन में आएगा ए कहाँ से आएगा, तो देखिए ए गिवन है। बेसिकली एक वेक्टर ए को कैसे लिखा जा सकता है, ए वन यूनिट वेक्टर आई प्लस ए टू यूनिट वेक्टर जे प्लस ए थ्री यूनिट वेक्टर के। तो यहाँ देखें ए वन की वैल्यू मौजूद है, ए टू की वैल्यू मौजूद है, ए थ्री की वैल्यू भी मौजूद है, और जब हमें क्रॉस कैलकुलेट करना है तो क्रॉस कैलकुलेट करने के लिए हम अपने क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इसे चेंज कर लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट और देखते हैं डिटर्मिनेंट को आंसर ज़ीरो आता है या नहीं। यहाँ पर डेल क्रॉस ए को हम कैलकुलेट करते हैं, डेल क्रॉस ए को इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है यूनिट वेक्टर आई जे के, डेल के लिए एक्स एक्सिस का कंपोनेंट पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, वाई एक्सिस के लिए पार्शियल बाय पार्शियल वाई और जी एक्सिस के लिए पार्शियल बाय पार्शियल जी, जबकि ए वेक्टर के लिए एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ए वन, ए वन की वैल्यू है हमारे पास वाई स्क्वायर जी क्यूब कॉस एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब जी टू जी क्यूब वाई साइन एक्स और लास्टली थ्री ए थ्री का के लिए वैल्यू थ्री वाई स्क्वायर जी स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स फोर। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, अप्लाई करते हैं पार्शियल बाय पार्शियल वाई को इस फंक्शन पे। इस फंक्शन में हमारे पास सिर्फ वाई वेरिएबल है तो वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा सिक्स वाई जी स्क्वायर साइन एक्स एज अ कांस्टेंट, ये ज़ीरो हो जाएगा माइनस पार्शियल बाय पार्शियल जी को अप्लाई करें इस पे तो ये आ जाएगा हमारे पास सिक्स जी स्क्वायर वाई साइन एक्स यूनिट वेक्टर आई, फॉर्मूले की तरफ से माइनस। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जब पार्शियल बाय पार्शियल एक्स को अप्लाई करेंगे आप इस फंक्शन पे तो यहाँ से थ्री वाई स्क्वायर जी स्क्वायर एज अ कांस्टेंट साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस एक्स फोर का डेरिवेटिव फोर एक्स क्यूब माइनस फॉर्मूले की तरफ से पार्शियल बाय पार्शियल जी को अप्लाई करें इस पे वाई स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस एक्स, तो यहाँ पर सिर्फ जी वेरिएबल है ये वैल्यू आ जाएगी थ्री वाई स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा से लिख सकते हैं प्लस फोर एक्स क्यूब, जी का जी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वन यूनिट वेक्टर जे प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पार्शियल बाय पार्शियल एक्स को अप्लाई करें टू जी क्यूब वाई साइन एक्स पे तो इसमें ये वैल्यू आ जाएगी टू जी क्यूब वाई कॉस एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई को अप्लाई करें इस फंक्शन पे तो वैल्यू आ जाएगी टू वाई जी क्यूब कॉस एक्स,
जबकि y के रिस्पेक्ट से ये फंक्शन कांस्टेंट है, यूनिट वेक्टर k, इधर यूनिट वेक्टर j। तो अब यहाँ से देखें, ये वैल्यू और ये आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दो कैंसिल, ये दो भी कैंसिल। तो ओवरऑल इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो यूनिट वेक्टर i प्लस ज़ीरो यूनिट वेक्टर j प्लस ज़ीरो यूनिट वेक्टर k। तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ज़ीरो। तो यहाँ पर प्रूव हो गया है कि डेल क्रॉस ए इक्वल है ज़ीरो के। तो ये बात यहाँ से शो हो जाती है कि जो हमें वैल्यू दी जा रही है ए डॉट डी आर की, ए वन डी एक्स प्लस ए टू डी एक्स डी वाई प्लस ए थ्री डी जी, वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब एग्जांपल के दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, स्केलर फंक्शन है किसी स्केलर फंक्शन फाई का, तो फाई की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा है हम उसी की मदद लेते हैं। उस थ्योरम में हमने ये पढ़ा है, उस थ्योरम की मदद से हम क्या कह सकते हैं कि अगर डेल क्रॉस ए इक्वल टू ज़ीरो है तो फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए वन डी एक्स प्लस ए टू डी वाई, प्लस ए थ्री डी सी इक्वल है डी फाई के, ठीक है। अगर ये डी फाई के इक्वल है तो यहाँ से इसे डी फाई के इक्वल रखकर अपना काम करना शुरू करें। ए वन की वैल्यू हमारे पास थी एग्जांपल में वाई स्क्वायर जी क्यूब कॉस एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब जी डी एक्स, प्लस ए टू की वैल्यू टू जी क्यूब वाई साइन एक्स डी वाई प्लस, और ए थ्री की जगह ए थ्री डी जी हमारे पास था थ्री वाई स्क्वायर जी क्यूब साइन एक्स माइनस एक्स फोर डी जी इक्वल है डी फाई के। यहाँ से डी एक्स को अप्लाई करते हैं सबके साथ अलग अलग, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर जी क्यूब कॉस एक्स डी एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब जी डी एक्स प्लस टू जी क्यूब वाई साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स डी वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर जी क्यूब साइन एक्स डी जी माइनस एक्स फोर डी जी इक्वल है डी फाई के। यहाँ से इसे रीअरेंज करें, सबसे पहले डी एक्स वाली ये वैल्यू चुनें, इसे लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर जी क्यूब कॉस एक्स डी एक्स, इसके बाद डी वाई वाली वैल्यू टू जी क्यूब y साइन x डी वाई, उसके बाद डी जी के लिए की वैल्यू प्लस थ्री वाई स्क्वायर जी क्यूब साइन x डी जी। अब जो बची हुई दो वैल्यूज़ हैं उन्हें लिख लें, माइनस कॉमन ले लेते हैं, लिखा जा सकता है फोर एक्स क्यूब जी डी एक्स प्लस, ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, एक्स फोर डी जी इक्वल है डी फाई के।
अब यहाँ से इस स्टेप के आगे थोड़ी देर के लिए देखें कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया गया है। तो डेरिवेटिव लेने के बाद वैल्यू आ गई है cos x। तो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव लेने पर वैल्यू cos आ जाती है? ठीक है, डेफिनेटली साइन का डेरिवेटिव। ठीक है, दूसरे में देखें y के रिस्पेक्ट से अप्लाई किया गया डिफरेंशियल। ठीक है, तो अगर y का डेरिवेटिव लिया गया है और वैल्यू आ रही है, सिंपल y तो नहीं आ सकती, अगर पावर फंक्शन भी है तो 2y आनी चाहिए। तो 2y को आप इंटीग्रेट कर लें तो बेसिकली वो बन जाएगा वाई स्क्वायर। और अगर z के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लिया गया है, सिर्फ z को फोकस करें, अगर डेरिवेटिव ली गई वैल्यू ये है तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? डी जी। सॉरी, मेरे ख्याल लिखते वक्त यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर जी स्क्वायर है, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास यहाँ पर होगी जी क्यूब 3z². ये एक्चुअली एक्जैक्ट डिफरेंशियल है। देखें, जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो डिफरेंशियल लेने पर जब x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, जब y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, जब z के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह नीचे वाले को भी देखें, वो भी इसी तरह x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशियल लिया गया है 4x³ का, तो बेसिकली ये एक्चुअली x4 होगा, और यहाँ पर x4 dz है, तो z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और z 1 आ गया, तो मींस z का डिफरेंशियल है ये इक्वल टू d5। यहाँ से d कॉमन कर लें एक दफ़ा, तो ये आ जाता है d z³y² sin x - x4z d5। दोनों तरफ कंपेयर करें तो फाई की जगह इस वक्त क्या वैल्यू आ रही है? फाई इक्वल आ रहा है z³y² sin x - x4z। ठीक है, और क्योंकि हम डिफरेंशियल ख़त्म कर रहे हैं तो मींस हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसी के साथ ये एग्जांपल यहाँ पर ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।